जब इंसान अपने चारों तरफ दर्दों को देखकर बिलख उठता है, तब वो बढ़ता है दर्दियों के आंसू पोंछने। ऐसे ही पूज्य कैलाश मानव जी ने अपने कुछ सहयोगी हाथों को साथ लेकर दशहरे के शुभ दिन सन 1985 को यज्ञ आहुतियों के मध्य वेद मंत्रों के साथ नारायण सेवा संस्थान का शुभारंभ किया। संस्थान ने प्रारंभ के दिनों में सरकारी चिकित्सालयों में भर्ती रोगियों के परिजनों को घर घर से इकट्ठा किए हुए आटे से बना भोजन खिलाना शुरू किया। राजस्थान में भारी अकाल को देखते हुए संस्थान द्वारा गांव गांव ढाणी ढाणी में निशुल्क असहाय सहायता शिविर लगाए जाने लगे। इन शिविरों में छोटे बाल गोपालों को जिन्हें नहाने की आदत नहीं थी, जिनके बालों में और शरीर में काफी गंदगी लगी रहती थी, उनको मातृशक्ति द्वारा नहलाया जाने लगा। उनके बाल काटे जाने लगे, बड़े बड़े मैल भरे नाखून काटे जाने लगे, नए नए कपड़े पहनने लगे, असहायों में वस्त्र वितरित हुए। बच्चे, वृद्ध महिलाओं, वृद्ध पुरुषों को मक्का, गेहूं एवं अन्य प्रकार की खाद्य सामग्रियां वितरित की जाने लगी। विभिन्न बीमारियों से ग्रसित रोगियों की वहीं शिविर स्थल पर चिकित्सा होने लगी। पुरुषों द्वारा शराब, मांस, तंबाकू आदि छुड़वाने के संकल्प भी लिए जाने लगे। दिल तब दहल गया जब एक शिविर में 20 बच्चे भी दिखे जो घिसट घिसट कर शिविर स्थल पर पहुंच रहे थे। पता लगा कि इन्हें पोलियो हो गया है। किसी तरह इन 20 बच्चों का इलाज मुंबई के वरिष्ठ चिकित्सकों से करवाया गया। 20 बच्चे जो खिसट कर चल रहे थे, उनको देख मन करा उठा इंसान की दशा पशु जैसी देखकर। कुछ समय बाद ये बच्चे विकलांगता से मुक्त हो गए। ऑपरेशन के सार्थक परिणाम देखकर डॉक्टर कैलाश जी मानव के मन में ये विचार आया, क्यों ना इस प्रकार का एक अस्पताल का निर्माण किया जाए जिसमें पोलियो एवं अन्य विकलांगता से ग्रसित बच्चों का निशुल्क इलाज हो सके। चैन राज्य लोढ़ा साहब, एक समाज सेवी उद्योगपति से डॉक्टर कैलाश मानव जी ने प्रार्थना की कि आप श्री मदद करें तो अस्पताल का निर्माण हो सकता है। चैन राज लोढ़ा साहब ने तुरंत अपनी सहमति प्रदान की। लोढ़ा जी एवं कुछ सहयोगी हाथों के उपकार से 20 फरवरी 1997 को 51 शय्याओं वाला पूरे भारत का प्रथम चैन राज लोढ़ा सावंत राज अस्पताल का निर्माण हुआ। विभिन्न दानदाताओं के सहयोग से रेंगते बच्चों के कल्याणार्थ आज संस्थान के पास 1100 शय्याओं से सुसज्जित विभिन्न अस्पताल हैं, जहां सैकड़ों रोगियों के प्रतिदिन निशुल्क ऑपरेशन होते हैं। संस्थान द्वारा रोगी एवं साथ आए परिजनों को प्रतिदिन चाय, नाश्ता, दोनों समय का भोजन, आवास सुविधा आदि पूर्णतः निशुल्क प्रदान की जाती है। साथ ही रोगी हेतु ऑपरेशन, दवाई, कैलिपर्स, एक्सरे, सभी प्रकार की जांच, फिजियोथेरेपी आदि सुविधाएं भी निशुल्क प्रदान की जाती हैं। ऑपरेशन के पश्चात रोगी अपने पांव पर खड़ा हो जाता है, चलने फिरने लगता है। मैं जब 6 महीने का था तब मेरे को पोलियो की दवा नहीं पिलाई गई, जिससे मेरे को पोलियो हो गया था। नारायण सेवा संस्थान में मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद अब मैं कैलिपर के सहारे आराम से चल सकता हूँ और दोनों हाथ मेरे फ्री हो गए, और न तो मेरे को बेचारे की आवश्यकता है, न किसी के सहारे की आवश्यकता होती है। जो परिवार पर भार हुआ करता था, उन्हें चिंता सताती है परिवार का भरण पोषण करने की। संस्थान द्वारा रोजगार प्रशिक्षण केंद्र संचालित किया जा रहा है, जिसमें कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, टीवी, वीसीआर, वीसीडी एवं इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग प्रशिक्षण केंद्र, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, सुथारी प्रशिक्षण केंद्र आदि द्वारा रोगियों को 1 वर्ष के डिप्लोमा कोर्सेस कराए जाते हैं, जिसकी मान्यता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दी जाती है। रोजगार प्राप्त करने के पश्चात प्रश्न ये उठता है कि जीवन किस तरह व्यतीत किया जाता है। जीवन साथी की कमी महसूस होने लगती है। संस्थान द्वारा वर्ष में 2 बार विशाल स्तर पर निशुल्क सामूहिक विकलांग विवाह समारोह आयोजित किया जाता है।
जिसमें रोजगार प्राप्त निशक्तता से निजात पा चुके युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। मैं आपसे यही पूछूंगी, क्या आप बिजनेस क्लास व्यक्ति पसंद करेंगे या सर्विस क्लास? कुछ भी, जो भी मिल जाए, कोई मेरी वो नहीं है। आपकी कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। तत्पश्चात विवाह कराकर सुखी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं नवयुगल दंपत्ति। इस प्रकार संस्थान द्वारा एक निशक्त युवक एवं युवती के पूर्ण पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। नारायण सेवा संस्थान का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इन्होंने न कि ऑपरेशन ही कराया बल्कि जीवन साथी भी यानी कि चुनने का अवसर दिया, इसलिए मैं नारायण सेवा संस्थान की बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देती हूँ। संस्थान द्वारा प्रतिमाह विधवा महिलाओं को निशुल्क वस्त्र वितरण एवं राशन दिया जाता है। मेधावी छात्र छात्राओं की विभिन्न स्कूल में फीस जमा कराई जाती है। संस्थान द्वारा संचालित भगवान महावीर निराश्रित बाल गृह द्वारा बिना माता पिता के मासूम अनाथ एवं असहाय बच्चों का लालन पालन बड़े प्यार से किया जाता है। बच्चों को आवास, भोजन एवं प्यार दिया जाता है। संस्थान द्वारा प्रदत्त आवास, भोजन एवं शिक्षा द्वारा मंद बुद्धि बच्चे, प्रज्ञा चक्षु बच्चे एवं मूक बधिर बच्चों हेतु विशेष शिक्षण प्रशिक्षण से बच्चे अपने सार्थक जीवन की आधारशिला रख रहे हैं। संस्थान द्वारा अब तक निम्न सेवा कार्य संपादित किए गए हैं: ऑपरेशन, कैलिपर्स वितरण, बैसाखी वितरण, तिपहिया साइकिल वितरण, श्रवण यंत्र, सिलाई मशीन, विद्यालय छात्रों को बस्ते, औषधि वितरण, विकलांग विवाह। संस्थान की मैनेजिंग ट्रस्टी पूज्य डॉक्टर कैलाश जी मानव को भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा उत्कृष्ट सेवा कार्यों को देखते हुए पद्मश्री से नवाजा गया। संस्थान को 4 बार भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। संस्थान को दिए गए दान में 100% छूट 35 AC के अंतर्गत एवं 50% छूट 80G के अंतर्गत की स्वीकृति भी भारत सरकार द्वारा दी गई है। माना कि भारत सरकार के सफल प्रयासों से अब नहीं हो रहे हैं पोलियो विकलांग, लेकिन 70 लाख से भी अधिक पोलियो विकलांग बच्चे अभी भी हैं। उनका क्या दोष है जो किसी अभाव में आज भी घिसट घिसट कर विकलांगता का जीवन जी रहे हैं? वे अपनी आशाओं के साथ अपने पांव पर खड़ा होने के लिए आपकी तरफ कातर निगाहों से देख रहे हैं। आप 1, 5, 11, 21, 101 या इससे अधिक बच्चों के ऑपरेशन करवा कर आप बने उनके भाग्य विधाता। संस्थान द्वारा पूर्ण भारतवर्ष में सेवार्थ कई क्षेत्रों में आश्रमों को व फिजियोथेरेपी सेंटर को संचालित कर ये संकल्प पूर्ण कर रही है कि किसी भी कोने में आहत जीव को राहत मिले।